Good morning, students. Today we are going to start our English chapter number 2, that is Sulika's Garden. So first of all, it is a story about one girl named Tulika. ये एक story है जिसमें एक girl है जिसका नाम है Tulika. So Tulika lives in a flat of a tall building. Tulika एक बड़ी building के flat में रहती थी and whenever she looks out from the window, she can only see the roofs of other buildings. तो जब भी वो बाहर देखती थी window के, उसे क्या दिखता था? उसे सिर्फ दूसरे घरों की roofs दिखती, दूसरे घरों की छत ही दिखती थी और कुछ भी नहीं दिखता था जब भी वो window के बाहर देखती थी. She likes to visit garden, she loves flowers. उसे flowers बहुत पसंद थे, उसे garden घूमना बहुत पसंद था, तो वो कभी कभी garden visit करती थी. वहाँ बहुत सारे beautiful flowers देख के वो बहुत ज़्यादा happy होती थी. So once upon a time what happened? Her family shifted to a big house. So एक बार क्या होता है, उसकी family अपने खुद के एक बड़े घर में shift हो जाती है. So she was very happy. Then उसको लगा कि अब मुझे रोज़ के रोज़ window के बाहर roof नहीं देखनी पड़ेगी, अब मेरा खुद का घर होगा जिसमें मेरा खुद का garden होगा. She thought that I will also make my one garden. So उसमें वो कैसे क्या सजाती है, अब वो अपना खुद का garden बना सकती है जिसमें वो बहुत सारे beautiful flowers, बहुत सारे beautiful vegetables plant कर सकती है. तो वो कैसे अपने पूरे गार्डन को सजाती है, ये हम पढ़ेंगे लाइन वाइज अपनी चैप्टर की रीडिंग में, कि वो कैसे अपने गार्डन को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली फ्लावर्स के साथ सजाती है, बिकॉज शी लव फ्लावर्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द चैप्टर. सो फर्स्ट वर्ड इज डिलाइटेड. सो डिलाइटेड का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. सो डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा खुश होना. एंड सेकेंड वर्ड इज स्ट्रेच, अ लॉन्ग एंड नैरो पीस ऑफ लैंड. स्ट्रेच का मतलब होता है ज़मीन, और छोटी सी ज़मीन अ पीस रहता है जिसमें, अ नैरो पीस ऑफ लैंड जिसमें तुलिका बात करती है मैं अपना गार्डन प्लांट कर सकती हूँ. थर्ड वर्ड इज सपोर्ट, एग्री विथ एन आइडिया. सपोर्ट का मतलब होता है कि हम किसी की बात में एग्री हो जाते हैं. हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हम उस टॉपिक में एग्री हैं, मतलब हम मान जाते हैं कोई भी टॉपिक को जब हम डिस्कस करते हैं, हम उसमें एग्री हो जाते हैं. फोर्थ वर्ड इज़ प्लान, अ रफ ड्राइंग. प्लान का मतलब एक रफ ड्राइंग, जैसे भी हम कोई भी चीज़ को डिस्कस करते तो हम उसे अगर ड्रॉ करके डिस्कस करते तो हम पहले उसका एक रफ ड्राइंग बनाते, तो वैसे ही प्लान का मतलब है इस चैप्टर में अ रफ ड्राइंग. फिफ्थ वर्ड इज़ वंडरफुल. सो वंडरफुल का मीनिंग है एक्सट्रीमली गुड. सो वंडरफुल का मतलब है बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी चीज़. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस चैप्टर नंबर 2, तुलिकास गार्डन, वर्ड मीनिंग्स इन योर इंग्लिश कॉपी. एंड टुमारो वी विल रीड द चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ तुलिका डेकोरेटेड हर ब्यूटीफुल गार्डन.